हेलो बच्चों, आज हम पाठ चार गुलाबी चुनरी छोटे ऊ की मात्रा में सही जवाब पर टिक लगाओ का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, उनका हमें सही जवाब पर टिक करना है। जैसे क्वेश्चन है, चटाई कहाँ बिछाई, चटाई कहाँ बिछाई, तो चटाई कहाँ बिछाई है, घास पर, तो हम घास पर टिक करेंगे। मुनमुन क्या लेकर आई, क्वेश्चन है मुनमुन क्या लेकर आई, तो यहाँ दो ऑप्शन सब में दिए हुए हैं, सही ऑप्शन पर हमें टिक करना है। तो इसका सही जवाब है गुड़िया। मुनमुन क्या लेकर आई, गुड़िया। फिर हवा से क्या उड़ गया, हवा से क्या उड़ गया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, कुर्ता और चुनरी, तो क्या उड़ गया था, चुनरी, तो इसका सही जवाब है चुनरी। चुनरी ओढ़कर कौन शर्माया, चुनरी ओढ़कर कौन शर्माया, दो ऑप्शन में से बुलबुल और मुनमुन दिए हुए हैं, तो इसमें सही जवाब है बुलबुल, तो हम बुलबुल पर टिक करेंगे। चुनरी कैसी थी, चुनरी कैसी थी, तो चुनरी गुलाबी रंग की थी, तो यहाँ पे हम गुलाबी पे टिक करेंगे। फिर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं छोटे ऊ स्वर में, तो हम उनका अभ्यास करेंगे। जैसे क छ पे छोटे ऊ की मात्रा छू आ, कछुआ। प को छोटे ऊ की मात्रा पू ल, पुल। ग को छोटे ऊ की मात्रा गु लाभ, गुलाब। ख को छोटे ऊ की मात्रा खू खुश। ग को छोटे ऊ की मात्रा गु गुड़िया, गुड़िया। ब ग को छोटे ऊ की मात्रा गु ला बगुला। ज को छोटे ऊ की मात्रा जू राब, जुराब। च को छोटे ऊ की मात्रा चू हिया, चूहिया। और ऊपर फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऊपर से नाम चुनकर लिखो। यहाँ जो नाम दिए गए हैं और यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हम इन चित्रों के सही नाम लिखेंगे। तो ये चित्र दिया हुआ है कछुआ, तो हम इसके आगे लिखेंगे कछुआ। फिर ये चित्र है बगुला, तो यहाँ पे हम बगुला लिखेंगे। ये है गुड़िया, तो यहाँ पे हम इसे गुड़िया लिखेंगे। और ये यहाँ पे चित्र है गुलाब का, तो यहाँ पे हम गुलाब लिखेंगे। इस तरह से हम लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।